हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, अगर आपको एक्शन कैमरा पसंद है और आप चाहते हैं कि आप एक बजट में एक्शन कैमरा ले, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जब भी एक्शन कैमरा का जिक्र होता है तो आपको पता है कि सबके दिमाग में गोप्रो का ख्याल ही आता है, लेकिन अब मैं आपके सामने एक ऐसा ब्रांड लेके आऊँगा जो बिल्कुल ही बजट फ्रेंडली ब्रांड है और आपको वो इजीली अमेजोन में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस ब्रांड के बारे में बताता हूँ कि उस ब्रांड का नाम क्या है। सो गाइस, इस ब्रांड का नाम है अकासोल और इसका ब्रेव 8 लॉन्च होने वाला है, जो कि एक बजट एक्शन कैमरा है विद ग्रेट डिसेंट क्वालिटी फुटेजेस। और तो चलिए गाइस, इसके आप कुछ फीचर्स सुने, ताकि मुझे पता है आप फीचर्स सुनेंगे तो आप रियली में क्रेजी हो जाएंगे इसके इतने अमेजिंग फीचर्स हैं। तो गाइस, इसमें आपको मिलता है 4K विद 60 फ्रेम रेट और साइड बाय साइड आपको मिलता है 16x स्लोमो, मीन्स कि अब आप अपनी फुटेज को और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से स्लोमो कर सकते हैं और जो आपकी फुटेज का रिजल्ट आएगा वो रियली में बहुत अमेजिंग आएगा। मेगापिक्सल के साथ 8K टाइम लैप्स शूट का सपोर्ट भी मिलता है विद ड्यूल कलर IPS स्क्रीन, मीन्स कि अब फुल GoPro वाले फीचर्स एक बजट एक्शन कैमरा में भी। वाह भाई वाह, क्या बात है। इसके अलावा मुझे इसके 2 से 3 फीचर बहुत अमेजिंग लगे, जिसमें से पहला फीचर मुझे जो सबसे अमेजिंग लगा वो है AI सपोर्ट, मीन्स कि आप AI की मदद से आपका फेस इजली ट्रैक होगा और सनलाइट के दौरान जो आपके फेस की कलर ग्रेडिंग या कलर एनहेंसमेंट वो ये कैमरा बहुत ही अमेजिंग और बेहतरीन तरीके से करता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इस एक्शन कैमरे का फीचर। इसके अलावा इसमें दूसरा फीचर है वो है वॉइस कमांड, मीन्स कि आप वॉइस कमांड के थ्रू आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे उस एक्शन कैमरा में और अपने कमांड के थ्रू आप अपने फुटेज को कैप्चर भी कर पाएंगे। मीन्स कि मेरे को ये फीचर ग्रेट लगा और ये फीचर हम मैक्सिमम आजकल हम अपने स्मार्ट वॉचेज में भी देख रहे हैं और जो कि आजकल आ रही है, और बाकी ये फीचर आपको फ़ोन में तो असिस्टेंट के नाम पे मिल ही जाता है। बाकी गाइस, इसमें आपको 4 डिफरेंट टाइप ऑफ शॉट्स मिलते हैं, मीन्स कि आप डिफरेंट एंगल से इनको शूट कर पाओगे, लाइक अल्ट्रा वाइड एंगल या वाइड एंगल शॉट या प्रस्पेक्टिव शॉट या फिर नैरो एंगल शॉट। अब इन डिफरेंट में मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देता हूँ। जो अल्ट्रा वाइड शॉट्स होते हैं वो ज़्यादा ही आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम को कैप्चर करने की सोचते हैं, वहीं पे वाइड एंगल शॉट थोड़े कम कैप्चर करेंगे। पोर्ट्रेट परस्पेक्टिव शॉट जो यूज़ होते हैं वो इसलिए यूज़ होते हैं कि अगर आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ फ्रेमिंग चाहिए जिसमें आपका सब्जेक्ट भी ज़्यादा छोटा ना दिखे और जो आपकी इन्वायरमेंट हो वो भी एक डिसेंट अमाउंट में दिखे, तब हम पोर्ट्रेट परस्पेक्टिव यूज़ करते हैं। और नैरो एंगल शॉट तो हम बिल्कुल क्लोजअप शूट के लिए यूज़ करते हैं, जब हमें सब्जेक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजअप पार्ट शूट करना हो या सब्जेक्ट हमारा सिर्फ उस फुल फ्रेम में अप्रॉक्स 0.5% हमारा सब्जेक्ट ही दिख रहा हो, तब जाके हम इस नैरो एंगल शॉट का यूज़ करते हैं। अब गाइस, इतने सारे फीचर जान लिए, अब ज़रा इसकी प्राइसिंग की बात भी की जाए तो इसकी प्राइसिंग सुन के आप बेहद थोड़े बहुत तो हैरान हो ही जाओगे कि इतना बजट में इतनी सारी चीज़ें कैसे मिल सकती है। तो जैसा कि मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता रहा हूँ, तो इसकी प्राइसिंग है $280, मीन्स 21,000 रुपये, और 21,000 रुपये में आपको 8K रेजोल्यूशन के साथ टाइम लैप्स मिलता है, 4K रेजोल्यूशन के साथ 60 फ्रेम रेट में शूट मिलता है, मीन्स कि गाइस इतने अमेजिंग फीचर आपको 21K में मिल रहे हैं। तो गाइस, मैं तो पर्सनली इस चीज़ को लेने का सोच रहा हूँ, अब मैं फिलहाल इसका वेट कर रहा हूँ कि देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी होगी, स्टेबलाइजेशन कैसी होगी। स्टेबलाइजेशन एक मस्ट फैक्टर होना चाहिए हमारा। और बाकी गाइस, आपको ये वीडियो स्टफ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और अब मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही ग्रेट टॉपिक के साथ। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।